आज मैं इतनी खुश हूँ कि 5 साल से जिस दिन का, जिस घड़ी का मैं इंतज़ार कर रही थी, वही घड़ी अभी कुछ ही घंटों में आने वाली है। वो दिन उदित हो चुका है। 5 साल से मैं इस दिन के लिए तड़प रही थी, कब वो दिन आएगा जिस दिन मुझे रजोहरण प्राप्त होगा। पहले मेरे ये संयम के भाव नहीं थे, मुझे सही बोलो तो ये भी नहीं पता कि मर्सिद जी सब क्या होते हैं, न मंदिर जाना, नवकर मंत्र भी नहीं आता था। लेकिन पता नहीं यहाँ आने के बाद धीरे धीरे सीखा कि सब लोग बोलते थे कि मतलब जैन होते हुए भी अगर नवकार मंत्र भी आपको नहीं आए, ऐसे करके पहले मैं अपने नाना नानी के पास रहती थी, वहाँ पे तो मुझे मंदिर भी नहीं जाती थी। और यहाँ आने के बाद मैंने कुछ सीखा, मम्मी रोज़ बोलती थी कि स्कूल जाने से पहले मंदिर, और मंदिर बीच में ही आता था, लेकिन पता नहीं क्यों मंदिर जाने का मन ही नहीं होता था। बस वो तिलक मम्मी को बताना था कि मंदिर जाके आए, इसीलिए बस वो तिलक लगाया और निकल गए, भगवान के दर्शन भी नहीं करते थे। क्यों संयम के प्रति वो भाव ही नहीं थे, पता नहीं ऐसा लगता था कि मतलब ये सब क्या है। और यहाँ आने के बाद जब ये राम जी गोल के चातुर्मास हुआ तो हम सिर्फ मस्ती करने के लिए जाते थे, संडे टू संडे, जैसे वहाँ जाएंगे तो पूरा दिन एंजॉय करेंगे। लेकिन वहाँ जाने पर जब मरसा का प्रवचन सुना 18 पाप स्थानक पर, तब ऐसा लगा कि हम कितना पाप कर रहे हैं, क्या हम क्या कर रहे हैं ये सब। उस समय मेरे संयम के भाव तो नहीं आए थे बस, लेकिन मुझे ऐसे धर्म में रुचि मिल गई थी और धर्म करने लग गई थी। उसी के बाद वो हमारा परम सौभाग्य होगा कि उसके बाद गुड़ा मालानी में 28 साल के बाद परम पूज्य सुरेंद्र श्री जी महाराज का चातुर्मास हुआ। अगर वो चातुर्मास नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि उसके जस्ट बाद अगर चातुर्मास हुआ इसीलिए हमारे भाव रह पाए, नहीं तो हमारे वो भाव नहीं रहते और आज हम इस जगह पर नहीं आते। इसलिए गुड़ा मालिनी संघ का बहुत उपकार है कि उस दिन उस मरसा का चातुर्मास हुआ और हमारे वो भाव रहे। सिद्धि तब करते करते मतलब मरसा से एक तरीका अटैचमेंट हो गया था, तब तो यही लगता था कि बस मरसा के पास रहना अच्छा लगता है इसीलिए बस दीक्षा लेनी है, लेकिन सही मतलब नहीं पता था। अभी ऐसा लगता है कि हाँ संसार में है क्या, मम्मी को देखते ही है पूरे दिन, कभी ममारा करो कभी वैसा करो, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता और खुद के लिए एक मिनट भी टाइम नहीं निकाल सकती है। ऐसा लगा कि हमारी भी क्या यही लाइफ होगी आगे जाके। उस समय बहुत फील हुआ और चौमासे के बाद यहाँ पे निकिता बोरा, जो अभी परम पूज्य नम्रतानंद श्रीजी महाराज के साथ नाम है उनका, उनकी दीक्षा हुई। उस समय मैंने पापा से बहुत जिद की थी दीक्षा लेने की, अगर हो भी जाती वो दीक्षा, लेकिन मेरे ही कुछ पुण्य ही नहीं थी इसलिए मैं रह गई। उस समय मैंने पापा से जिद की कि मुझे अभी की अभी दीक्षा चाहिए, तभी मुझे पापा से ये आज्ञा मिली कि तू मरसा के पास रह सकती है, मैं तुझे कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि तू घर पे आ, अगर तू मन से आए तो ठीक है, लेकिन नहीं आए तो मत आना, लेकिन दीक्षा मैं अपने हिसाब से ही दूंगा जब मुझे देनी होगी। ऐसे करके मैंने 5 साल में मम्मी पापा को तो बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, लेकिन मेरी इतनी पुण्य है कि मेरे मम्मी पापा ने, सब लोग जितनी परीक्षा लेते ना इतनी परीक्षा नहीं हुई। आज बहुत लोग ऐसे इतने भाव आते हुए भी आज उनको दीक्षा नहीं मिल रही है। मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं कि उन्होंने मुझे एक बार में दीक्षा की आज्ञा प्रदान कर दी, और मैं बहुत गुड़ा मालिनी संघ की भी बहुत बहुत उपकारी हूँ कि आज उन्होंने हमारे मतलब जो जैसी दीक्षा सोची नहीं थी ना वैसी दीक्षा हमारी करवाई है उन्होंने। वैसे गिरनार में लेने का तो मन था ही, क्योंकि वहाँ वो ऐसा ऐसे भाग्य किसी के नहीं है कि नेमिनाथ दादा के आगे वो दीक्षा हो, लेकिन
आज वो ये तो खुशी है कि कोई बात नहीं, फाइनली दीक्षा तो मिल ही रही है ना हमें, और मैं गुड़ामालिनी संघ की बहुत 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 उपकारी हूँ। और मदन काका का तो मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने जब वो अहमदाबाद आए थे तो मैंने बहुत जिद की थी, पापा को मैंने ऐसा बोला था कि मुझे मेरा मुहूर्त मेरे हाथ में, मुझे देख के ही आपको जाना होगा। जब मैं इतनी जिद कर रही थी तब उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि मैं करवाऊँगा दीक्षा, मतलब तुम मेरे पे छोड़ दे। उसी दिन से मैंने उनको ऐसा बोला था कि अब मैं पापा को कॉल नहीं करूँगी, पापा को कुछ भी नहीं बोलूँगी, आपको ही रोज़ कॉल करूँगी। और मैंने परेशान भी बहुत किया, रोज़ फ़ोन करती थी आज क्या हुआ, और इतना परेशान। आज उन्होंने सही में आज मुझे दीक्षा का मुहूर्त दे दिया, और अभी आज हमारी दीक्षा भी होने जा रही है। मैं आप सबकी बहुत बहुत उपकारी हूँ। वैसे हमारी दीक्षा में कोई कमी नहीं रही, लेकिन एक कमी है, वो है गुरु माँ की, क्योंकि आज हम उनके ही लिए इतनी जल्दी दीक्षा की जिद कर रहे थे ताकि हम उनके सानिध्य में दीक्षा ले पाए। लेकिन हमारे इतने भाग्य नहीं है कि हमारी दीक्षा में वो उपस्थित हो, इसीलिए उनकी कमी तो बहुत महसूस हो रही है कि आज वो यहाँ होते तो हमारी बोले खुशी में कोई कमी नहीं होती, कि हमारी गुरु माँ यहाँ होती तो क्योंकि आज हमने अगर इतनी जिद की थी, मांसक्षपण किया था उनके, कैसा लगा उनके कि मार्सा के सानिध्य में हमें दीक्षा लेनी है, कैसे भी होकर अभी हमें दीक्षा लेनी, इतनी जिद की कि हमने एक चौमासे का भी वेट नहीं किया। दीक्षा तो मिल रही है, लेकिन वो इच्छा नहीं पूरी हो रही कि मार्सा की उपस्थिति में वो हमें वो दीक्षा मिले। लेकिन मार्सा ने इतना ही बोला है कि वो साक्षात यहाँ विराजमान है। वैसे भावों से तो वो यहाँ है, लेकिन हमारा ऐसे कि हम द्रव्य से देखना चाहते थे, लेकिन हमारी इतनी पुण्य ही नहीं है कि मार्सा की उपस्थिति में मैं दीक्षा ले सके। और आप सभी को मैं अंतिम मिच्छामी टुकड़म कहना चाहती हूँ कि आप सभी से बहुत, अभी तो जैसे 3 महीने मोर इतना घूमना फिरना हुआ, उस हिसाब से भी आपने अगर कुछ बोला तो मैं भी अगर गुस्सा हुई हूँ या मैंने भूल से भी अगर कुछ बोला हो तो उसके लिए मेरी ओर से आपको त्रिविधे त्रिविधे त्रिविधम इच्छामी टुकड़म।